तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे समुद्र में मिली कुछ चीजों के बारे में। तो आइए बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, बेशकीमती पत्थर। 2010 में फ्लोरिडा के तट से खजाने की तलाश करने जेम्स कोविच नाम के एक व्यक्ति को लगभग 10,000 बेशकीमती पत्थर मिले थे। वही माना गया था कि इन पत्थरों की कीमत लगभग $500,000 के करीब थी। नंबर 4, समुद्री लुटेरों की तोप। माना जाता है कि 1996 में एक कुख्यात समुद्री लुटेरे ब्लैकबर्ड का जहाज द क्वीन एनेस रिवेंज को नॉर्थ कैरोलिना के तट से बरामद किया गया था। वही 2013 में जहाज के मलबे में 5 तोपें मिली थी। माना गया था कि हर तोप का वजन लगभग 2000 से 3000 पाउंड के बीच था। नंबर 3, डूबा हुआ शहर। शीचांग एक प्राचीन चीनी शहर था जो अब समंदर के अंदर है। इसे अंटार्कटिका ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि ये डूबा हुआ शहर 600 साल पुराना है। माना जाता है कि इसे बिजली परियोजना के लिए जानबूझकर डुबाया गया था। नंबर 2, जहाजों का कब्रिस्तान। साउथ पैसिफिक के चुगलोगन में एक बड़ा जहाजों का कब्रिस्तान मौजूद है। यहाँ कई पुराने जहाजों के मलबे मौजूद है। माना जाता है कि द्वितीय विश्व के दौरान यह लगभग 60 जापानी जंगे जहाज और 200 एयरक्राफ्ट अटैक के बाद डूब गए थे। नंबर 1, प्राचीन ग्रीक कंप्यूटर। ग्रीक आइलैंड से एक अजीबोगरीब प्राचीन यंत्र प्राप्त किया गया जो लगभग 2000 साल पुराना बताया जाता है। वही कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई प्राचीन ग्रीक एनालॉग कंप्यूटर हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पार्ट 1 कैसा लगा या फिर आप इसमें से कौन सी बात जानते थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते। मैं मिलता हूँ आपको पार्ट 2 में।